हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। जैसा कि वीडियो का थंबनेल और टाइटल पढ़कर समझ तो गया होंगे कि मैं आज किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। गाइज, मैंने जब मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हुए थे तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में अपना जो सोशल मीडिया है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, मैं आपके साथ सब कुछ अपना जो है लिंक शेयर करूँगा, जिससे कि आप मुझसे मतलब इजी वे में बात कर सकें। अभी तक आप मुझसे इंडियन नंबर पर बात करते आ रहे थे, बहुत कम लोगों के पास मेरा सिंगापुर का नंबर है, नहीं तो अभी तक आप मुझसे इंडियन नंबर पर बात करते आ रहे थे, वो चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे चैटिंग हो। तो आज मैं अपना सिंगापुर का नंबर भी शेयर करूंगा, जो मैं सिंगापुर का नंबर यूज़ करता हूं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहां तक कि मैं अपना फेसबुक पेज भी लिंक शेयर करूंगा, इंस्टाग्राम भी शेयर करूंगा, यहां तक ट्विटर भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मेरे जो यूट्यूब चैनल के जो अबाउट है उसमें जाकर आपको वहाँ पे बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, मैं सारे कुछ वहाँ पे पोस्ट करूँ, जो भी मैं यूज़ करता हूँ आप जाके वहाँ से फॉलो कर देना। इसके अलावा मैं इस वीडियो के लिंक में सब कुछ डाल दूंगा, मेरा फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम जो भी है, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, जो मेरा सिंगापुर का नंबर है मैं इस तरफ डाल दिया है, +65 करके है, आप +65 करके आप नंबर पे मुझे सेव कर लें, इसको इस नंबर को सेव कर लें और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना चाहिए, मैं बता दूं नॉलेज के लिए, अगर आपके पास 12-13 रुपए हैं तो आप मुझे नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इधर इंस्टाग्राम मिल जाएगा और इधर आपको फेसबुक मिल जाएगा, इधर आपको ट्विटर मिल जाएगा, जो भी आपको दिखेगा स्क्रीन पे जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और मैं बता दूं गाइस कि मेरे बहुत सारे ऐसे जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त यार हैं, मुझे मेरे इंडियन नंबर पे नॉर्मल कॉल करते हैं, वो नॉर्मल कॉल करते हैं इंडियन नंबर पे, क्योंकि मेरा वो जो नंबर है मेरे भाई के फोन में पड़ा हुआ है, मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ सिंगापुर में, तो कभी कभी वो भी फोन उठाते हैं। तो इसके अलावा मैं उनका भी नंबर शेयर कर देता हूँ, इनका नंबर इधर है डाल दिया मैंने, ये मेरे बड़े भाई का नंबर है, इनका नाम है साजिद, आप इनका नंबर भी सेव कर सकते हैं, और मेरे भाई का नाम है तो इनका नंबर सेव कर लें, आप इनको भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करते हैं, अगर कुछ भी पूछना हो, इनको भी बहुत सारी नॉलेज है स्टूडेंट के बारे में, तो आप इनको भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप इनको भी मैसेज करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, आप इनसे भी पूछें। इसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो ये रहा मेरा नंबर, आप इस मुझे भी कुछ पूछ सकते हैं। गाइज, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूं कि जब भी आप मुझे कॉल करें डायरेक्ट, तो प्लीज उससे पहले आप मुझे मैसेज कर लें एक बार, क्योंकि इंडिया का टाइमिंग और यहाँ के टाइमिंग में डिफरेंट बहुत है, 2.5 घंटे का डिफरेंट है। तो आप पहले मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि सर मेरा नाम ये है, मैं इंडिया से यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, या मुझे किसके बारे में बात करनी है, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं उस समय फ्री होऊंगा, अगर आपको मैसेज सीन कर लिया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बोलूंगा यस। अगर नहीं है तो मतलब मैं आपको टाइमिंग दे सकता हूँ कि हाँ आप मुझे 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट फोन मत करेंगे, क्योंकि यार कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ और भी मेरे काम होते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट कभी फोन नहीं उठा पाता हूँ, आप लोग के फोन काट देता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले कॉल करने से पहले मुझे मैसेज कर लेना। और इसके अलावा बता दूं गाइस कि जिन जिन लोगों के पास मेरा इंडियन नंबर है, जब अभी तक आप लोग मुझसे बात कर रहे थे इंडियन नंबर के थ्रू, चैट हो या व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो, या मेरे भाई से बात कर रहे थे, तो आप अगर चाहे तो उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं नंबर में यूज करता हूँ व्हाट्सएप पे, नहीं तो ये सिंगापुर का नंबर है मेरा, आप इसको सेव कर लें मेरे नाम से, और ये मेरे भाई का नंबर है, इसको भी आप सेव कर लें, दोनों मेरे भाई का नाम से और मेरे नाम से। कुछ भी पूछना हो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, इसके अलावा मुझे फेसबुक पे फॉलो करें, मुझे लाइक करें, इंस्टाग्राम पे लाइक करें, फॉलो करें, और यहाँ तक कि ट्विटर मेरा अकाउंट, उसको भी फॉलो करें। अब मैं जितनी भी इन फ्यूचर जितनी भी वीडियोस बनाऊंगा उनमें मैं इनका ऐड करता रहूंगा कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज फॉलो करें जल्दी जल्दी और आते हैं फिर सिंगापुर के नंबर पर मुझसे बात करिए गाइज, ठीक है। अब इंडियन नंबर छोड़ें, सिंगापुर के नंबर आप आएं और मुझसे बात करें जो भी कुछ करना है। और मैंने बताया था पिछली वीडियो में जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए थे कि एक बंदे का वीजा, इसलिए 2 बंदे का वीजा आया है, एक लड़की का आया, एक लड़के का वीजा आया, तो उसकी फीस सब आ गया है, बस उनका जो मसला क्या है, उनका मसला क्या है, MOE अप्रूवल, वो पेंडिंग पड़ी है। जिस दिन उनके अप्रूवल आ जाएगी MOE से, उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं जो भी इसका प्रोसेस है आपको उस वीडियो में बताऊंगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपको अप्लाई करना है कोई भी सिंगापुर में स्टूडेंट वीजा, 6+6, 8+6, 9+6, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से सीधे सिंगापुर से। तो गाइज फॉलो करें, लाइक करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।